Hi, and I am watching वॉचिंग Boss I say regularly obviously because I have my best friend inside Priyanka and of course मुझे सबसे सब ज़्यादा game भी होने का पसंद आ रहा है क्योंकि uh, I think she is the most रियलाइज contestant in the show right now and वो जैसी बाहर है वो वैसे ही अंदर है क्योंकि मैंने personally पर्सनली जानती तो मैं ये बोल सकती हूँ कि वो genuinely जैसी बाहर है वो वैसे ही अंदर खेल रही हैं और या uh, yeah, उनकी ही game मुझे सबसे सब ज़्यादा पसंद है अभी तक तो मतलब ख़राब तो बहुत कुछ लगता है जब उन्हें ऐसे अननेससरली uh, लोगों के uh, वजह से बैश करते हैं अननेसेसरली उनसे फाइट पिकअप्स होती हैं लोगों की फॉर नो रीज़न एट ऑल उनको भरा भुरा बोला जाता है तो अच्छा नहीं लगता है एंड ट्विस्ट एंड टर्न्स आई थिंक सी पीपल आर फॉरगेटिंग कि इस बारी बिग बॉस खुद खेल रहे हैं तो वो ट्विस्ट एंड टर्न्स तो आएंगे ही आएंगे क्योंकि उन्हें भी गेम चलानी है उन्हें भी एक शो चलाना है तो इट्स फन टू वॉच द ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड उसी की वजह से आई थिंक uh, एक इंटरेस्ट बना रहता है व्यूअर uh, का कि हाँ इसकी उसी की वजह से uh, एक व्यूअर देखता है कि हाँ अब क्या होने वाला है और अब क्या होगा तो बहुत फन है इट्स गुड टू वॉच इट बट हाँ कई बार बहुत बुरा लगता है जब स्पेसिफिकली uh, प्रियंका के लिए कि उन्हें अननेसेसरली बैश किया जाता है एंड हम एज uh, तो गेम शुरू होती है प्रियंका से उनकी गेम खत्म होती है प्रियंका पे लाइक like, फ्रॉम डे वन एंड वो उनके पर्सनल लाइफ पे इतने कॉमेंट्स करती हैं आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ वो उन्हें जानती भी नहीं थी पहले से एंड दे ओनली मैट बट वो उनके बारे में अभी तक भी बोलती रहती है बोलती रहती बोलती रहती है मतलब उनको आ, जब उनके ऊपर बात आती है तो शी गेरी यू नो वो एकदम से कि मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया बट जब वो सेम बात वो किसी को भुली करती है तो वो उनको समझ में नहीं आता कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो सकते हैं तो किसी और की भी हो सकती है तो प्लीज लुक आफ्टर दैट एंड इफ प्रियंका इज नॉट देयर सो आई थिंक जब उनको बोला जाता है कि uh, प्रियंका की वजह से अंकित किसी और से बात नहीं करते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है वो अंकित भाई का नेचर ही ऐसा है वो ज्यादा जल्दी किसी से खुलते भी नहीं है

वो ऐसा नहीं है कि वो उनकी वजह से वो किसी और से बात नहीं करते वो अंकित भाई का नेचर ही ऐसा है कि वो ज्यादा बात नहीं करते हैं इतनी जल्दी तो वो धीरे धीरे करके खुल रहे हैं एंड आई थिंक पीपल आर लाइकिंग इट और उनका स्वभाव भी आई थिंक शांत सा है वो बहुत कामली हैंडल करते हैं चीजों को तो ऐसा नहीं है कि वो प्रियंका की वजह से ऐसे हैं या कुछ है इट्स जस्ट दैट्स हिज नेचर एंड पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसे लोग भी होते हैं अगर ये बात है तो उनके और निमृत की तो बिल्कुल नहीं बनती फिर जब निमृत प्रियंका तो के साथ हुई होती तो निमृत तो कभी भी नहीं आती तो फॉर मी आई थिंक आई बिलीव कि प्रियंका का नेचर ही ऐसा है वो ग्रजिज अपने दिल में नहीं रखती है इनफैक्ट अर्चना ने उन्हें कितनी बारी कितनी दफा कितना कुछ बोला है बट एट द डे वो उन्हें अपना दोस्त मानती है दिल से तो वो कहीं कही ना कहीं वो ऐसी ही हैं उन्हें कोई लगता है कि, कि किसी को हेल्प चाहिए किसी को यू नो समी इज़ नॉट फीलिंग गुड वो नॉर्मली नॉर्मली एज ए ह्यूमन बीइंग आई थिंक वो एक इंसानियत के नाते चली जाती हैं इन इनफैक्ट आई रिमेंबर जब स्टैन वाज़ फीलिंग लो एंड स्टफ तो वो तब भी uh, उनके पास गई थी इनफैक्ट स्टैन उनसे खुद खुल के बात भी कर रहे थे कि हाँ uh, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और ये सब पे वो ऐसे पलट गए जैसे पता नहीं क्या ही हो गया हो तो और वो चीज बहुत झूठी है वो उनको झूठा दिखाने की कोशिश है कि प्रियंका झूठ बोल रहे है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है वो एक इंसानियत के नाते अगर किसी के साथ खड़ी हैं इसका और वो सही का साथ देती हैं ऐसा तो आई हैव सीन इट एंड आई नो हर पर्सन इज आई कैन से इट कि वो चाहे वो आपकी दोस्त है नहीं है बट वो अगर अगर उनका दोस्त भी गलत होगा ना वो उसको साफ साफ बोलेंगी कि आप गलत हैं एंड दिस पर्सन इज राइट तो वो आई थिंक उनका नेचर ही ऐसा है कि uh, ऐसा नहीं है वो दल बदलू है कुछ है वो एक इंसानियत अगर आप में ह्यूमैनिटी नहीं है तो आप एक अच्छे इंसान नहीं हो जो कि मुझे काफ़ी लोगों में लगता है इन द हाउस कि वो इंसानियत ख़त्म हो गई है तो आई थिंक इट्स 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 नॉट बिकॉज शी दल बदलू इट्स बिकॉज कि वो uh, एक अच्छी इंसान है तो उन्हें दल बदलू तो नहीं मैं समझती बिल्कुल भी सी एवरीबडी इज़ प्लेइंग गेम है, कोई किसी का साथ नहीं देता है एट द एंड ऑफ द डे आप अगर आप टॉप टू में दो बेस्ट फ्रेंड्स को भी डालोगे तो दूसरा चाहेगा कि मैं ही जीतू तो क्योंकि सब जीतने ही आया ना सब अपने अपने गेम खेलने आए हैं uh, अगर कोई उनके साथ रहेगा वो है अंकित भाई एंड तक मुझे लगता है क्योंकि वही है एक वही उनका एक ही रियल इन द हाउस इज ओनली वन रियल बॉन्ड एंड दैट इज अंकित भाई एंड प्रियंका तो आई थिंक uh, ऐसा तो कुछ, uh, और कोई भी नहीं है कि जो एंड तक उनके साथ रहेगा एक्सेप्ट फॉर अंकित भाई सोया आई थिंक अब उन्हें काफी हद तक पता लग चुके हैं काफी बातें है, और अर्लीअर उन्हें पता नहीं था कि निमृत उनके बारे में क्या क्या बोल चुकी हैं और क्या क्या बोलती हैं अभी भी आ, जैसे कि आ, उन आई डोंट अंडरस्टैंड निमृत का प्रॉब्लम क्या है एंड निमृत हाल ही में भी इतना इतना कुछ बोलती रहती हैं हंसती रहती हैं उनके ऊपर जब अर्चना और प्रियंका की फाइट भी हो रही थी तो वो साइड में बैठ के प्रियंका के खिली उड़ा रहे थे एंड दैट इज नॉट नॉट नाइस आई जस्ट डोंट फाइंड इट निशानी वो बहुत ही इनसे आती है तो मुझे बस वही उन्हें बताना बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम होर एंड आई एनी वेट आई थिंक आई वुड नॉट लाइक टू टेल होर एक्सेप्ट फॉर दैट शी इज डूंग ग्रेट वो बहुत अच्छा कर रही है वो ऐसे ही खेलती रहेंगी तो वो जरूर जीत जाएंगी जो मैं बिलीव करती हूँ आई एम सो सॉरी आई कैन नॉट रिकॉल बिकॉज ऑफ अब्दू

तो आई आई थिंक वुड लाइक टू टू टॉक एंड एंड इंस्टेड ऑफ प्रियंका टेल हर दैट प्लीज आप ऐसा मत सोचो कि कोई आपसे प्यार नहीं करता कोई आपसे सच में प्यार कर सकता है एक साफ दिल से कि हाँ तू मेरी दोस्त है आपको सच में दोस्त मान सकता है तो आप इतना इतना मत गिर जाओ कि वो दोस्त आपको छोड़ के चला जाए तो या आई थिंक उनका बॉन्ड अपना बॉन्ड है उनकी इक्वेशन अपनी इक्वेशन है क्योंकि मुझे लगता है कि वो उन्हें पता है कि वो दिल की साफ़ है बट वो गेम खेल रही है और अर्चना ने बहुत क्लियरली बहुत टाइम से बोल दिया था कि मैं किसी की दोस्त नहीं हूँ मैं अपना खेलने आई हूँ मुझे अगर कल को अपने बेस्ट फ्रेंड को भी नॉमिनेट करना पड़ेगा तो मैं कर दूंगी तो इट्स फाइन यस ऑफ कोर्स क्योंकि वही है क्वीन <laughs> <इस, उसलिया, laughs> तो मुझे कोई और दिखती भी नहीं है कि कोई और क्वीन हो सकती है या इफ इट इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट आई आई वुड लाइक टू से अर्चना बट किंग थिंक इज अंकित भाई एज ऑफ नाउ क्योंकि बहुत ही मस्त मेरे को कैप्टनसी टास्क में उनका जो उन्होंने अपने ले उन्होंने अपने स्टैंड लिया प्रियंका के लिए स्टैंड लिया मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि ही, uh, किस प्रियंका जाना है पांच नंबर पे मैं जाऊंगा तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी तो मेरे लिए किंग अभी तो वही खेल रहे है क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में मुझे उनका गेम बहुत पसंद आया Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.